नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ब्रेड टोस्टर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे कैसा है नहीं है, मतलब कम्प्लीटली आपको रिव्यू करके दूंगा, ये परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना प्राइस है और प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंडर सेफ की टोस्टर आपके सामने ही है, कृति सेनन इसका ब्रांड नंबर सेटर है और ये कंपनी जो है 10 साल पुरानी है। ट्विनिका कंपनी है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और 2 साल वारंटी के साथ आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलो इसको ओपन करते हैं और इसका प्राइस वगैरह कितना पड़ा वो भी मैं आपको बता दूंगा। फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ऐसा है इसका पैकेज और यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड वगैरह जैसे कि आपको मिल जाता है, देख पा रहे हो। यहाँ पे एक यूजर मैनुअल होगा, ये है यूजर मैनुअल और ये है वारंटी कार्ड। तो दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग कुछ ऐसा है क्योंकि यहाँ पे खास कुछ अनबॉक्सिंग करने के लिए है नहीं है। इस टोस्टर से पहले मैं और भी कई टोस्टर यूज किया है, बट इस टोस्टर में ये चीज मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो ये फ्रेम है, एक्स्ट्रा आपको कुछ फ्रेम दिख रहा है, जैसे इसको नीचे दबाएंगे तो ये चिपक जाता है और ब्रेड को लेके नीचे चले जाते हैं। तो यूजुअली जो टोस्टर रहता है ऐसा, आप सीधा ब्रेड डाल दो और नीचे चले जाता है। मैं यूज करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो कैसे यूज करना है। वायर थोड़ा सा छोटा लग रहा है इस टोस्टर का, अंदर कुछ ऐसा रहता है, आप देख लो, स्टेनलेस स्टील का ये रहता है और यहाँ पे कॉयल रहता है। जो बटन है इसको ऐसा प्रेस करना है ब्रेड डाल के, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी करके भी दिखाऊंगा। और ये है नंबर 7 तक का यहाँ पे कंट्रोल है, ये नॉब ऐसा घुमा के आप इसको राइट की तरफ घुमा के ज्यादा कर सकते हो, लेफ्ट की तरफ घुमा के आप कम कर सकते हो। यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं। पहली बार जब आप टोस्ट करोगे तो कम नंबर में ही रखना, इसका जो टाइमिंग है कम पे ही रखना और आपको पता चल जाएगा इससे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। साइलेंस टोस्टर 230 वोल्ट, जो क्लीनिंग सिस्टम है वो अलग है। ये जो ट्रे है ना, इसका पीछे यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा है, तो आपको इसको पुल करके, इसको खोल के, जैसे पुल करेंगे ये खुल जाएगा और यहाँ पे ब्रेड के टुकड़ा उकड़ा जो पड़ा रहेगा उससे क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम दिया है। तो चलो हम अभी इसका QR कोड स्कैन करते हैं व्हाट्सएप से और इसका जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रोडक्ट का। देखिए स्कैन करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कंटिन्यू सेट करते हैं। कंटिन्यू सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे नंबर, या फिर आप जो नंबर है, अगर आपका व्हाट्सएप में ऐसा नहीं आ रहा तो आप नंबर को शेप भी कर सकते हो, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हाई टाइप करते हैं, हाई। तो देखिए उधर से रिप्लाई आया, वेलकम टू वंडर सेफ डिजिटल असिस्टेंट, आई एम हियर टू असिस्ट यू, प्लीज टाइप सेंड द नंबर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो चलिए हम नंबर 6 जो है उसको टाइप करेंगे। तो यहाँ पे 6 टाइप करते हैं, नंबर 6 टाइप करके ये सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया है वारंटी रजिस्ट्रेशन, प्लीज क्लिक द लिंक टू रजिस्टर योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम अभी इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो इस लिंक पे डायरेक्ट जाके गूगल में सर्च करके। तो देखिए वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए ये पेज आ गया है, यहाँ पे आपको योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट परचेस, प्रोडक्ट परचेस डेट, सोर्स ऑफ परचेस, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सा है, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे आज परचेस किया तो मैं आज का ही डेट डाल दूंगा। प्लीज अपलोड क्लियर इनवॉइस, जो भी इनवॉइस अपना बिल मिलेगा उसका अपलोड कीजिएगा। और SU की कोड एंटर करना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और सबमिट। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा पुराना वाला टोस्टर है। कम से कम मैं आपको बता दूं ये मैंने 8 साल 9 साल तक चला, ये देखो फिलिप्स का है और ये ऐसा स्टॉप बटन था और इससे भी हम यहाँ पे नंबर 7 तक बढ़ा सकते थे इसका समय। और यहाँ पे भी ये ऐसे ही दबा के जो है ब्रेड वगैरह डालना होता, ये ठीक ठाक ही था बट अंदर का कॉयल पूरा खराब हो गया। तो चलिए अभी नया वाला यूज करेंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये। तो चलिए अभी इसमें डालते हैं ब्रेड। तो ये मेरा ब्राउन ब्रेड है, मैं अभी 2 स्लाइस आपको डाल के टोस्ट करके दिखाता हूँ। ब्रेड डालने के बाद स्विच ऑन करना है, इसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये इसका अंदर का कॉयल जो है वो जल रहा है और इसको अभी टोस्ट करेगा। तो टाइमिंग में ज्यादातर 3 में ही रखता हूँ क्योंकि 3 सही रहता है। तो अभी देखोगे जब हो जाएगा तो होके ये फटक के बाहर आ जाएगा, ये बहुत अभी नए नए है तो बहुत ऊपर तक फेंकते हैं। तो देख लिया आपने, आपको साउंड सुनाई दिया होंगे, ये देखो ब्रेड टोस्ट होके बाहर आ गया। और इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया,
ब्रेड के ऊपरी हिस्सा जो है वो बराबर अंदर तक नहीं जाते, जिसकी वजह से ना ब्रेड के ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा कम टोस्ट होते हैं। यहाँ पे और एक चीज क्या है, जैसे आपको ऐसा ब्रेड जल रहा है, आपको ये करना है, तो इसमें एक बटन है, हमारा पुराना वाला में मैंने जैसे देखे वहां पे एक बटन है, इसका यहाँ पे बटन नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो इसका जो नॉब है उसको घुमा के जीरो की तरफ लेके आना है, एकदम नीचे की तरफ, तो आप ये बाहर आएगा, और नहीं तो आपको ऊपर जो पावर बटन है इसका डिस्कनेक्ट कर देना है, तब जाके बाहर आता है। परफेक्ट टोस्ट हो गया है, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो जला हुआ टेस्ट आएगा। तो दोस्तों इसके लिए मेरा राय ये है, ये वाला मॉडल इस ब्रांड का मत लेना, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इससे 1-2 सौ रुपये बढ़ा के आप इससे हायर मॉडल वाला ले लेना, यहाँ पे स्टॉप बटन के साथ, और थोड़ा सा ये बिल्ड क्वालिटी भी उतना मेरे को ये नहीं लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसा है, आप देख के खरीद सकते हो, और 1-2 प्रोडक्ट के लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसका प्राइस पड़ा मुझे 1,200 रुपीज, 1,199 रुपीज, मतलब 1,200 रुपीज मैंने लिया है इसको रिलायंस स्मार्ट से ऑफलाइन।